और गाइस ये देखो हम लोग एकदम ऑर्गेनिक वाला टमाटर फिलहाल हम है शर्मा स्वीट्स में और यहाँ है हमारा संतोष और हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी एंड कॉफी। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अवर प्रीतम एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप्स आप लोग जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूं, रीजन बिहाइंड देखिए मौसम इतना क्लीन कर दिया क्योंकि कल हम लोग को एक जगह जाना है, सरप्राइज है, बताऊंगा आपको किस चीज के लिए हम जा रहे हैं। तो मौसम इतना आज क्लियर कर लिया ना, सुबह से धूप कपड़ा पर बढ़िया से पूरा सूख रहा है और इधर मेरा संतोष का ये छोड़ दिया था उसने, इसको भी धुला के हमने सुखा दिया यहाँ पे। तो फिलहाल सुबह का सीन कैसा है, आज सुबह सुबह में उठा और कल रात को बहुत रात पे पहुंचा था हम। अरे कहना क्या चाहते हो, 1:30 हो गया था तो मैं आके जस्ट एक्सपोर्ट किया, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जस्ट एक्सपोर्ट किया वीडियो को और मैं सो गया। सुबह उठ के नहा वहा के ब्रेकफास्ट किया, फिर गया उस वीडियो को अपलोड करने के लिए हम लोग सीधा तपा तपा में जाके अपलोड किया। रीजन आज यहाँ पे नेट सही नहीं चल रहा था, फिर अभी घर पे आके क्या सीन हुआ आपको दिखाता हूँ, चलिए घर के अंदर। तो गाइस ये है मेरा रूम और ये है मेरा अलमारी ना, वो कपड़ा वाला अलमारी होता है ना टेम्पररी, यही है क्योंकि मैं अभी तक वो जो लोहा का मिलता है वो खरीदा नहीं क्योंकि महंगा भी बहुत है। इसका लास्ट रूम में मैंने ना शू रखा था, उधर देखो गाइस पूरा छेद कर दिया, इधर कीड़ा ने और चूहा ने पूरा छेद कर दिया। अब मैं सारा शूज को निकाल के यहाँ पे रखा हूँ, देखो सब शूज है, शूज है तो पूरा खराब हो गया, यहाँ पे बच्चा जग गया लगता है। तो अभी इसको कैसे मैनेज करूँ समझ में नहीं आ रहा है, और एक ट्रंक खरीदना पड़ेगा कि मुझे पता नहीं। पहला चीज़ क्या है जो मुझे हमेशा सबको ही समझाते थे, मेरा फ्रेंड्स, मेरा सर, पापा, मम्मी, दीदी सब समझाता था कि एक्सेस शॉपिंग मत करो। मैंने इसमें कम से कम 10-12 जूता शॉपिंग करके रखा और वैसे अलीपुरद्वार में भी रखा हुआ है, अब पहनने वाला कोई नहीं है तो ये ऐसे भी रह रहा है कि चूहा ही काट रहा है अभी ना, तो अभी से एक एक करके पहन पहन के ख़त्म करूँगा। तो एक्सेस शॉपिंग करने से पैसा इन्वेस्ट होकर बैठ जाता है। मैं सिर्फ यहाँ नहीं बुक्स में भी ऐसा खर्चा कि आपको बुक्स दिखाता हूँ, ये बुक्स पढ़ाई कम बुक्स बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि मैं प्रिपरेशन करने वाला था तो ले लिया था, फिर मूड चेंज हो गया, मैं प्रिपरेशन नहीं किया, शाबाश, लेकिन बुक्स लेके रखा हूँ। चलो बुक्स तो ऐसा चीज है जो एक एसेट है मेरे लिए, कभी ना कभी काम आ जाएगा। फिर मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू किया तो बहुत ज्यादा एसेसरीज खरीद लिया, कुछ बंदे को मैं देखता हूँ इसलिए अभी बोलता हूँ कि मैं खुद से सीखा हूँ कि ज्यादा एसेसरीज मत खरीदे, मोबाइल भी काफी है। आज मैं आईफोन से और लैपटॉप से काम चलता है, ना DSLR लेके जाता हूँ, ना इंस्टा लेके जाता हूँ, ना गिम्बल लेके जाता, 3-3 गिम्बल रखा हुआ 20-30 हज़ार का ना, तो उसमें बहुत सारा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा को अगर बचाता तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाता ना, और ड्रोन भी खरीद पाता हो सकता मे भी, क्योंकि मैंने जहाँ तहाँ बैग जैक्स बहुत सारा खरीद के ना। तो ये गलती आप लोग मत दोहराइए लाइफ में कि ओवर शॉपिंग मत कीजिए, आई शॉपिंग काफ़ी है, मतलब थोड़ा सा इमोशंस में कंट्रोल करना सीखिए क्योंकि इमोशन अगर कंट्रोल नहीं किया ना तो मेरा जैसा हालत होगा। तो मैंने अभी शॉपिंग करना काफ़ी बंद किया है, 2 महीने से मैंने अमेजन के साइट में भी नहीं घुसा अभी, मतलब बेकार रहता सारा शॉपिंग कर करके पैसा खत्म कर दिया ना, अभी समझ में आ रहा चीज़ है ना, तो इसलिए बहुत सारा प्लान करके कीजिए सब कुछ। तो आज एक्चुअली हम जाएंगे थोड़ा सा बाहर और जाके एक ठू अलमारी भी देखेंगे, फिलहाल तो नहीं खरीदेंगे, अलमारी देखेंगे और एक साइकिल भी देखेंगे, तो अपना टारगेट लिस्ट में रहेगा, जब अर्निंग होगा तो दो चीज़ को हम लोग खरीदेंगे। और गाइस ये देखो हम लोग एकदम ऑर्गेनिक वाला टमाटर, ये एक्चुअली हम लोग का टमाटर का पेड़ में हुआ था, वो पेड़ को गलती से मैंने ब्रश कटर से उड़ा दिया था। क्या बोला तूने? पर इसे भी फिलहाल जिंदा करके रखे हम लोग, देखो यहाँ पे टमाटर टमाटर बढ़ती है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था और ब्रश कटर से उड़ा दिया था इसको, तो इतना प्यारा टमाटर एकदम ऑर्गेनिक वाला। और आज बाजार से मैंने कुछ करेला और सत्ते का लेके आया था, ये भी लगाना पड़ेगा घर पे क्योंकि मम्मी का शुगर है ना, मम्मी को बहुत जरूरी होता है। पिछले ब्लॉग में देखा था बाइक कितना चमक के एकदम सर्विस हो गया था, वापस देखो कल जब आने का टाइम में पूरा दबा के आया था, पूरा वापस वैसे ही गंदा हो गया। अभी से आज धुलाऊंगा सोचा था पर नहीं धुलाऊंगा क्योंकि कल फिर से मुझे ऐसा जगह में जाना है जहाँ का रास्ता और ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ जाके फिर से गंदा ही होने वाला है, तो एक बार से पूरा गंदा करके उसके बाद इसे धुलाऊंगा। और यहाँ पर देखो नया ग्रिल लग गया गाइस, नया ग्रिल हैव अ लुक, स्क्रैम का नया ग्रिल लग गया, बस इसको थोड़ा सा भी वो कराना है हम लोग को, स्टिकरिंग वापस कराना है, उसमें एक्सप्लोर विद प्रीतम लिखना है हमको, और जो हाथ में जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए ना ये लोग को ठीक करना है मुझे,
जहाँ से मैंने करवाया था उन लोग ठीक करेगा, क्योंकि उन लोग बोला था हम लोग गारंटी देते हैं ये ख़राब नहीं होगा बोल के, पर अपने आप उड़ना शुरू हो गया। बाकी तो बाइक अभी सही है, सर्विस बढ़िया से हो गया इसका। और अब हमने ये स्लाइडर भी लगा लिया, ये देखो गाइस ये स्लाइडर राइट साइड का स्लाइडर नहीं था, ये भी लगा दिया। फुल पावर अभी ये गाड़ी तो पूरा रेडी है। बस फिलहाल मैंने ये है मेरा नंबर प्लेट आगे वाला, इसका पीछे मैंने डबल टेप लगा लिया, इसे अभी यहाँ टेम्प्रेरी चिपकाऊंगा और एक फ़ोटो खींच लूँगा। बढ़िया लग रहा है देखने के लिए यो। तो अभी मेरा RC आ जाएगा, इनको लगेगा कि ये रिबेट होके यहाँ पे है, चिपक गया जैसे ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बढ़िया लग रहा है ना गाइस, कितना दिमाग है मेरा बताओ, इंजीनियरिंग दिमाग लगा है। अब इसका फोटो खींचता हूँ और भेज देता हूँ शोरूम वाले को, तो मेरा RC लेके आएगा। और एक पंगा हो गया, ये जो मैंने लगाया था ना एक्स्ट्रा, इसका एक नॉट टूट गया गाइस, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसलिए ये नॉट टूट के अंदर में ही फंस गया, तो ये 3 का सहारा में भी रहेगा। चलो कोई नहीं, देखने में काफ़ी सही लग रहा है। One eternity later. गाइस 3 बजने के लिए अभी भी बहुत टाइम है, आप देख सकते हो। और मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चा यहाँ सो रहा है, वरना ये जग जाएगा। तो अभी हम करते हैं इस कार्टून की अनबॉक्सिंग। एक्चुअली कल जब पैकिंग करके दिया था, इसमें दीदी का कुछ मेडिकल बुक्स है, और हम गाड़ी में जब बांधा था तो ये भीग चुका था, तो डर से मैंने खोला नहीं। अब करते हैं इसे अनबॉक्सिंग और देखते हैं सही सलामत है ना नहीं, और क्या क्या बुक्स है। यस 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 या टन टन। ओ अंदर में पॉलीथीन में पैक था, तब तो कहाँ से ख़राब होगा। 2 प्रीतम कुमार सेन। पहला किताब क्या है, ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ये दीदी का मेडिकल बुक से। इसका दाम कितना है देखते हैं, 2 प्राइस किधर है बे? वेरी प्राइस बुक लग रहा है, पहले पहले बड़ा बड़ा है। नहीं ये नेक्स्ट है एसेंशियल ऑर्थोपेडिक्स, क्या ब्रांडेड बुक्स है, इसका भी प्राइस नहीं होगा। जेपी ब्रदर्स का, वाह क्या बुक है भैया, गजब, काफ़ी बढ़िया, बड़े मज़ा लग गया देख के, वेट बहुत ज़्यादा है भाई। तीसरा है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के पार्क का, इसका अभी इसका तो वाह पूरा ग्रंथ का जैसे लग रहा है, तो वाह हार्ड कवर 1700 गाइस, इसका 1700 है। तो इन लोग का भी ऐसा ही कुछ है, पर इसमें प्राइस नहीं लिखा है, कुछ कुछ चीज़ में प्राइस नहीं होता है, जैसे टाटा मैक्रो हिल का बुक्स में भी, मैक्रो हिल का बुक्स में भी नहीं होता प्राइस। जब हम इंजीनियरिंग टाइम में टाटा मैक्रो हिल का बुक्स खरीदता था उस समय में प्राइस नहीं होता था। तो ये तीनों मिला के कितना हुआ है, 4000 गाइस, ये 3 बुक का नाम 4000। आप तो काफ़ी बढ़िया पढ़िए बैठ के, इतना मोटा मोटा बुक्स पढ़िए। सो गाइस फाइनली अपना लंच आ गया, लंच में है दाल चावल एंड पम्पकिन फ्राई। चावल को थोड़ा मम्मी ने फ्राई कर दिया क्योंकि अभी बज चुका है 2:45 और 10 मिनट है, उसके बाद मेरे ट्यूशन जाना है, तो इसलिए कुछ लंच कर लेता हूँ फटाफट। आज शनिवार है और शनिवार मंगलवार एंड बृहस्पतिवार, इट मीन्स सैटरडे थर्सडे एंड ट्यूजडे में हम लोग निरामिष खाते, तो आज भी हम लोग निरामिष हो रहा है, तो फटाफट खा लेते, फिर मिलते हैं गाइस आप लोग को। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप हमको, क्या देख रहे हैं आप, है नींद हो गया आपका, नींद हो गया। खा लेते हैं फटाफट क्योंकि जल्दी ट्यूशन भी जाना है हमें, इससे भी ब्लॉगिंग सीखना है बोल रही है। जब मेरा चैनल हिट कर जाएगा ना फिर आपका चैनल बना दूंगा। 6 का मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का सम करना है ना, तो 6 बोला है क्या, बोले 6 1 जा 6 6 2 जा 12। हां जाके घर में पढ़ो। हां a few inches later तो
तो गाइस फिलहाल शाम के समय है और मैं टीशन खत्म करके भी रोइंग की तरफ निकल गया हूँ। देखिए हाईवे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी अभी सूरज ढल गया यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये है डाम्बू गुमजिर हाईवे। तो रोइंग जाके सीधा आप लोग से मिलते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। हम लोग पहुँच गए हैं रोइंग और ये है रोइंग मार्केट अपना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मुझे जाना है वो साइकिल स्टोर में भी। फिलहाल तो हम इस दुकान में हैं और मैं मेरा छोटा छोटा सब्सक्राइबर लोग कैसे हो, ठीक हो? मेरा नाम क्या था? विकास। और ये भी मेरा छोटा सब्सक्राइबर है। हाय बोलो। हाय हाय। तो हम लोग इस स्टोर में आ गए। नमस्ते भैया। अच्छा ये ट्रंक का कितना होगा भैया? 3000 है। 3000 ना। और देखना था यहाँ पे गोडरेज वोडरेज भी मिलते हैं। ये वाला भैया कितना पड़ जाएगा? 10 ना। अच्छा ट्रिपल डोर वाला नहीं है आपके पास? ट्रिपल डोर वाला आपका मोदी में जाने से 20, 29 और लोकल में जाने से 17। लोकल वाला चाहिए गाइस। अब सुबह में देखा था मेरा तो वो अलमीरा खत्म हो गया, तो हमको ये अलमीरा लेना। ठीक है नहीं, हम सिंगल वाला का। ये खुला वाला नहीं है क्या? और ये है ना, ये खुला वाला है, ये सब ब्रांडेड है, वो थोड़ा मोटा है। इसको देखते हैं कैसा है। तो काफी स्पेस है इसमें, तो इसमें लॉकर भी एक सही है। तो ये सुंदर लगा हमको, तो काफी अच्छा है। ये दोनों, ये तीनों सब सेम है ना? छोटा वाला नहीं, छोटा नहीं, हमको बड़ा ही चाहिए। मतलब मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा है आज, वो कपड़ा वाला नॉर्मल वाला टूट गया ना मेरा। वो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल सब है ना। तो ये लोअर मार्केट में भैया का दुकान है, ट्रंक वंग सब कुछ मिलते हैं। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ संतोष के लिए, कब तक वो आ जाता है देखते हैं। फिर आने के बाद हम लोग साइकिल स्टोर में जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बात सोचा है गाइस, 10K में मैं एक साइकिल लूँगा, मुझे ये पेट कम भी करना है। तो साइकिल भी आज देख लेंगे, ये तो कंफर्म कर लिया अपने। हम ऐसा वाला कलर का लेगा, संतोष के लिए वेट करते थोड़ा सा। बस हियर बस संतोष रेडर आ गए। आप लेके आए उसको क्या जो लाने बोला था आपको? हाँ लाया ना। इन्होंने मुझे कुछ काम दिया, बहुत बड़ा वाला काम, असाइनमेंट लिखने का काम दिया मुझे। तो ये वाला सही होगा मेरे लिए ना? आपको खुद के लिए ना चाहिए? मेरा आज टूट गया इसलिए हम सोच रहे लेगा बोल। अरे कपड़ा वाला था ना, ये वाला मैंने, मेरा नहीं कपड़ा वाला नहीं था कि संतोष, वो बड़ा टूट गया, हालत खराब। ये कंपनी का अलग है, थोड़ा अच्छा लगा। कैसे टूट गया? अरे कपड़ा वाला नहीं होता क्या, नॉर्मल वाला जो इमरजेंसी है, वेट में टूट गया पूरा। तो फिलहाल फाइनल तो हो गया। ठीक है भैया, आपका जो प्राइस बोला उसमें ले जाएगा। यह भी है ना, ये भी आपका है क्या? ये स्टोर भी भैया के? वाह काफी चीज लगा है ना, चेयर वेयर टेबल में सब कुछ है, सोफा वोफा सब कुछ है। सही है यार, बैठिए तो देखिए तो कैसा है। अबे साले तो टाइट वाला है ना, मतलब वही गेस्ट वेस्ट के लिए घर में ठीक ठाक। सही है, स्टॉक अच्छा है। आपका दुकान का नाम भैया? शिव शक्ति। अच्छा बैटरी दुकान में ये हो गया ना, शिव दुकान था ना मेरा। अच्छा ये शिव शक्ति बैटरी का दुकान है। सही है सही है। तो गाइस हम फाइनली आ गए हैं रोइंग की साइकिल स्टोर पे। यहाँ पे हर तरह के साइकिल की कलेक्शन आप देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है देख के। तो हम कुछ साइकिल का प्राइस पूछते हैं। दादा नमस्ते, भालो दादा भी बेंगोली 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 ऑफर देखा क्या हम लोग को? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अच्छा वो उस बार जो मैंने देखे गया तो कौन सा साइकिल था एम से जो था नाम? ये ना मोन्ट्रा, इसका रेड कलर में था ना? जी इसका मोन्ट्रा बैक बीट है आपका। अच्छा ये आपका प्योर ऑफ रोडिंग साइकिल है। अच्छा इसमें आपको पूरा एलॉय फ्रेम आता है, आपको मैक्सिस का टायर्स मिल जाएगा, पुराने गियर्स सब कुछ है इसमें शिमानो का। अच्छा इसका रेट है आपका 27,000। अच्छा सबसे मिनिमम रेट में कौन सा है? मिनिमम मतलब हमको पेट कम दिखाना है। मिनिमम
मिनिमम में आप एकदम मिनिमम चले जाएंगे तो आपको ऐसे क्वालिटी मतलब एकदम ही सस्ता हो जाएगा। अच्छा। तो आपका लास्ट नहीं करता इतना। अच्छा। तो आप मिड रेंज में आते हैं तो मिड रेंज में ये है आपका 17,000 में। अच्छा। आपका नेगोशिएबल है रेट। हाँ। रेट नेगोशिएबल है 17,000 में। स्टील बोर्ड में हर्कुलिस रोडियो हार्ट लाइनर ये हर्कुलिस का है ना। जी जी। अच्छा हर्कुलिस रोडियो है। अभी ये आपको नॉर्मल साइकिल में ये सबसे अच्छा चल रहा है। और ये वाला ये आपका फिर एलॉय बॉडी में आ जाता है। ये कौन सा कंपनी का है? ये शैनल का है, ट्रिनिटी साइकिल्स की तरफ से। अच्छा। है, इसका दाम आएगा आपका 25,000 आएगा। तो ये और ये मॉन्ट्रा का नियर अबाउट सेम है ना? नियर अबाउट सेम। अच्छा, ये आपका मॉन्ट्रा के साथ ये ज्यादा मिलेगा। ये क्रॉस कंट्री साइकिल है। अच्छा। ये आपको शैनल का बीस्ट इसको कहते हैं, बीस्ट बुक है। तो ये आएगा आपको अराउंड 27,800 कुछ आएगा। सही है। और आपको 91 का तरफ से ये पैंथर है। और जितना भी अगर पार्ट्स वर्ट्स कुछ खराब हो गया सब कुछ मिल जाएगा ना? जी, सब मिल जाएगा, सबका सर्विस हम करवा देते हैं। अच्छा, रिपेयरिंग भी आपके यहाँ हो जाता है ना? बढ़िया। और बच्चों लोग के लिए भी मिल जाता है साइकिल? बच्चों लोग के लिए भी अलग अलग रेंज है, 12 इंची से शुरू है। अच्छा। 12 इंच से शुरू है, ये 12 इंच, 14 इंच, 16, 20 हर साइज का मिल जाएगा बच्चों के लिए। इन लोग का रेंज कितना से कितना तक है? इन लोग का रेंज आपका लगभग 2,500 से आपको 4,000-6,000 तक। सही है, सही। मैं भांजा के लिए भी एक साइकिल लेना है, बड़ा हो रहा है वो भी। चलिए ठीक है भाई, एक चूज करते हैं उसका। चूज कर लेते हैं यहाँ से साइकिल और उसी साइकिल को हम 10K में लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा साइकिल आपको मिलेगा विथ पार्ट्स वार्ट भी मिल जाएगा। कोई खराबी हो जाए तो सर्विस भी भैया प्रोवाइड करेंगे बोल रहे, तो टेंशन ही नहीं है। मैं एक बार सोचा था ऑनलाइन देखो, पर वही ऑनलाइन से सर्विस तो नहीं मिलेगा और कौन सा साइकिल कैसे आ जाता है भरोसा भी नहीं है आज का डेट। प्लस आपको जेन्युइन, हम जेन्युइन प्राइस दे रहे हैं। वही तो, जेन्युइन प्राइस अगर यहाँ मिल जाता है तो हम ऑनलाइन के चक्कर में जाएगा क्यों? सही है। देख के, ये एक टू व्हीलर व्हीकल है आपके, व्हीकल चीज आप हमेशा खुद देख के परख के लीजिए। ऐसा नहीं मैं ऑनलाइन के खिलाफ नहीं, नहीं बल्कि मेरे पास भी रेंज इसलिए मैंने रखा है, मेरा कैपेसिटी इतना नहीं है फिर भी मैंने रखा है कि मतलब पब्लिक को मिले। काफी मिले। अच्छा कलेक्शन, मैं तो शुरुआत से आपका शॉप को देख रहा हूँ, काफी अच्छा कलेक्शन है। चॉइस होने पर मेरे को मतलब थोड़ा सा चॉइस मिलता है तब जाके मतलब उनको अच्छा भी लगता है। वही वही सही बात है। इसमें हवा नहीं है गाइस, काफी अच्छा लगा मुझे ये रोडेड हर्कुलिस का, अच्छा लगा। और इसी को हम लोग फाइनल करेंगे और इसी को हम 10K में लेंगे। तो सपोर्ट कर दीजिएगा, जल्दी 10K हो जाए तो इसको जल्दी उठाएंगे। बहुत दिन से मैं चूज करके रखा, मुझे एक्चुअली ये भी पसंद था मॉन्ट्रा भी, पर ये ठीक है थोड़ा सा कम प्राइस में भी। और मेरे लिए क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, डेली एक्सरसाइज ही करना है और कभी कभार संतोष जी के साथ निकल जाएंगे राइड में। तो थैंक यू दादा। तो निकलते हैं यहाँ से, प्राइस वाइज हमने फाइनल कर लिया। दादा आशी देखा अभी अपना बाइक तो नीचे पार के वहाँ पे चलते हैं। फिलहाल हम हैं शर्मा स्वीट्स में और यहाँ है हमारा संतोष जो मेरा सिनेमेटिक्स को बना रहा है। मुझे सिनेमेटिक्स बनाना नहीं आता। हम लोग खा रहे हैं कचौड़ी एंड कॉफ़ी। कचौड़ी दूसरा नाम भी बोलते हैं, पता है बिहारी से? क्या बोलते हैं इसको? पता नहीं हमको, कोई सेंस है इस बात का? कुछ दूसरा नाम है। उड़ जाए उड़े तब खा लेते हैं फटाफट। तो गाइस रात का 9 बज चुका है अभी फिलहाल, मैं रोइंग से आ चुका हूँ और काफी अच्छा रहा आज का मीटिंग। एक्चुअली हमने बैठ के बहुत सारा प्लानिंग्स भी किया कि आगे कैसे क्या करेंगे, प्लस मेरा साइकिल वगैरह देखना भी हो गया। तो अभी इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, डिनर वनर कर लेते हैं, मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मन की करिए, अपने दिल की सुनिए। दिस इज बॉय प्रीतम साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।